नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 मार्च 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2022 की पूरी अपडेट को देखेंगे। 2019 और 2021 बैच के लिए क्या बड़ी खबर है उसको देखेंगे। और दोस्तों डीएलएड 2018 बैच की भी पूरी अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको दोस्तों बता दें, चीन में फूटा कोरोना बम, 13 शहर मंगलवार तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे, घरों में कैद हुए 5 करोड़ लोग। तो जरा इस बात को दोस्तों आपको समझना, ये अपडेट डीएलएड 2021 बैच के लिए ज्यादा बड़ी खबर है। अब बड़ी खबर क्या है, अब दोस्तों देखिए, कभी भी कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति बनती है। जब लॉकडाउन होता है तो दोस्तों प्रमोट का नियम आ सकता है। तो सिंपल सी बात बता दें, अभी हमारे देश में कोरोना के केसेस काफी कम है, जो कि एक अच्छी खबर है। 24 घंटे में हमारे देश में 2584 मामले सामने आए और 98 लोगों की जान गई है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर एक बड़ी बात को समझना है, अभी दोस्तों जो हमारा डीएलएड का एग्जाम है ना, वो अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डीएलएड के अलग अलग सत्रों की परीक्षा अप्रैल में होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब दोस्तों आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे देंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा, तब तक हो सकता है कि कोरोना के मामले बढ़ जाए। तब दोस्तों अगर प्रमोट की स्थिति बनेगी तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रमोट किया जाएगा जो बच्चे पास होंगे। तो यहाँ पर 2021 बैच के छात्रों को एक सबक लेना चाहिए 2019 बैच से, कि जो बच्चे फेल होते हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता है और काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिला जिसमें यह कहा जाए कि तृतीय सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। यूपी में एक और बड़ी खबर आई कि यूपी के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है, होली बाद भी 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, नौकरी नहीं बांटी जा रही है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सोचिए, अगर एक बार नौकरी दे दी गई ना, तो कोई मुफ्त राशन लेने नहीं जाएगा। तो रोजगार हमारा मुद्दा बड़ा था, लेकिन मुफ्त राशन के सामने भैया रोजगार का मुद्दा हमारा हार गया। और सरकारें दोस्तों देख लीजिए, मुफ्त राशन बांट बांट के सरकारें बना ले रही हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या बीएड का कर रहे हैं, आप लोग लगभग 2 लाख रुपए 2 साल में खर्चा करते हैं, खाने पीने रहने सबका जोड़ जाड़ कर। ऐसा नहीं सोचे कि फीस तो इतनी लगती नहीं है, लेकिन सब कुछ अगर ले लिया जाए तो तकरीबन 2 लाख रुपए आपका खर्च होता है, उसके बाद आपको मिलता क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। स्कूटनी रिजल्ट के हर एक अपडेट को भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट, मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट। तो गाइस, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया, जहां से आप लोग डीएलएड का रिजल्ट, यूपी टेट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस समय यूपी टेट का रिजल्ट भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी बच्चे इंतजार में कि कब रिजल्ट है और हम कब अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाए और नए शिक्षक भर्ती में हमें मौका मिल सके। ये दोस्तों बीएड को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो यूपी में जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों, हमारा यूपी टेट का रिजल्ट ऐसा दिखता है प्यारा था, जहां पर आपका क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड शो करेगा। पास होंगे तो यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा रहेगा, नहीं पास होंगे तो नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ बड़ी बात है। प्रथम सेमेस्टर की डेट शीट कुछ हमारी ऐसी शो करेगी, थर्ड सेमेस्टर डेट शीट ऐसी आएगी। तो जरा डेट शीट को भी आपको ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी होगी तभी दोस्तों कुछ फायदा होगा, नहीं तो परीक्षा की तैयारी बेकार हुई तो सब बेकार हो जाएगा। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी। ठीक है, उसके बाद जरा इस अपडेट को हम लोग देखते हैं। चीन में फूटा कोरोना बम, मामला क्या है, चीन में पिछले 3 दिन से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 5,280 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें 3,507 घरेलू केस हैं। महामारी की वुहान से हुई शुरुआत के बाद से दूसरी बार ये सर्वाधिक मामले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने 13 शहरों और काउंटियों में लॉकडाउन लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया स्वरूप देश में फैल चुका है। मौजूदा लहर में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित जिलिन प्रांत है। इसके अलावा चीन का तकनीकी हब कहे जाने वाले शेनज़ेन प्रांत में भी सख्त पाबंदियां लगा दी गई है। तो दोस्तों ये बड़ी बात है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में भी लॉकडाउन लग सकता है, अभी नहीं, आने वाले समय में। फिलहाल हमें यहाँ पर कोरोना से भैया सावधानी बरतनी है, लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो ये हमारे देश में भी फैल सकता है। और देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। और जो हमारा पेपर अप्रैल में होना गाइस, तो अगर वो पेपर हमारा मार्च में हो जाता तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन की स्थिति बनेगी
तो यहाँ पर नुकसान होगा 2018 बैच के छात्रों का, 2019 बैच के छात्रों का, क्योंकि दोस्तों 2021 बैच के छात्रों को तो प्रमोट का फायदा मिल जाएगा, इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 18 और 19 बैच जिन बच्चों की बैक लगी है उनका नुकसान होगा, क्योंकि आपका पेपर समय से हो नहीं पाएगा और आपको प्रमोट किया नहीं जाएगा। तो नुकसान पूरी तरीके से 19 और 18 बैच का ही है, बाकी 21 बैच के छात्रों का फायदा होगा। फायदा ये कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को। लेकिन एक बात याद रखना है, किसी भी कीमत पर आप फेल नहीं होना है, पास होने के लिए पूरी तैयारी करिए, कोशिश करिए, नहीं तो फिर फेल हुए ना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना इस माह बंद होने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है। तैयारी है कि इसे दोस्तों लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाए, हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन करेगा। इसी तरह से साल में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। अभी तक दोस्तों नौकरी का प्रस्ताव नहीं भेज रहे कि कम से कम 50,000 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती निकाली जाए जिसमें बच्चे नौकरी पा सके। ठीक है, तो ये दोस्तों मामला है। देखिए नौकरी मिलती है ना तो पूरा परिवार संवर जाता है। कम से कम सोचिए अगर एक बच्चा नौकरी पाता, शादी होती, 3-4 लोग, उनका पूरी फैमिली खुश होती है नौकरी। लेकिन गाइस यहाँ नौकरी नहीं दी जा रही, सोचिए आप लोग क्या होगा। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग डीएलएड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए गाइस। देखिए आपको नए शिक्षक भर्ती में मौका तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होगा। अगर आपका एक भी विषय में बैक है तो आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिल पाएगा, इस बात को जरा ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, 2021 बैच के लिए क्या बड़ी खबर, इसको जरा समझ लीजिए। आपका जो सबसे ज्यादा बैक आपका लगने वाला विषय है वो मैथ है। अगर आपका मैथ निकल गया तो मान के चलिए कि काफी हद तक चांस यही कि आपकी बैक नहीं लगेगी, और अगर आने वाले टाइम में प्रमोट का कोई अवसर बनता है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चीन में कोरोना बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे देश में भी कोरोना के मामले बढ़े। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट आपके सामने रख रहे हैं, DELEDRESULT.com, DELEDRESULT.com आपके सामने ये वेबसाइट है जहां पर आप लोग डीएलएड रिजल्ट, यूपी टेट, सी टेट रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी अपडेट इस वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए गाइस। देखिए लापरवाही बच्चे आजकल ज्यादा करते हैं जिस वजह से उनकी बैक लगती है। पेपर उतना कठिन नहीं आता, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों की किस्मत खराब होती है, अच्छी मेहनत करते हैं, पेपर भी अच्छा करके आते तब भी बैक आ जाती है, तो गाइस तब क्या कहा जाए। ठीक है, देखिए एक बात और आपको बता दे, कुछ टीचर ठीक नहीं होते, खड़ूस आप जिसको कह सकते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती पर हो सकता है वो आपको सीधे 0 नंबर दे दे। ठीक है, देखिए डीएलएड में मैथ या कोई भी विषय की कॉपी जो चेक होती है वो स्टेप मार्किंग के आधार पर ही की जाती है। लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ टीचर वो होते हैं जिनको मैथ कम ही आती है, वो सीधे आंसर चेक करते हैं। अगर आपका आंसर भैया 0 आना था, आंसर 0 आ गया तो भैया आपको पूरा नंबर दे देंगे, 2 नंबर, 1 नंबर। अगर आपका आंसर 0 जगह 1 आ गया तो हो सकता है 0 नंबर दे दें, बाकी भले आपके सारे स्टेप सही हो, एक दो लाइन की वजह से आपका मतलब फाइनल आंसर गलत हुआ तब भी आपको नंबर 0 देंगे, इस बात को भी आपको जरा ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लग रहा है कि स्टेप मार्किंग नहीं की जाती है जिस वजह से ज्यादा बच्चों की बैक लग जाती है। तो ध्यान में रखिए, तैयारी करिए बढ़िया से और पेपर में नकल की उम्मीद मत करिएगा। आपका जो सेंटर है वो सरकारी स्कूलों में जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। 2021 बैच के छात्रों को भी जरा ध्यान रखते हैं, नकल की गुंजाइश ना के बराबर होती है। कुछ जगह थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है आगे पीछे से, लेकिन पेपर जब 1 घंटे का होता है ना तो नकल का टाइम भी कम होता है, इसलिए तैयारी आप लोग खुद से करके जाइए। मिलते हैं एक और वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से चेक करिए रिजल्ट अपना। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।